आपको जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना को पूरा जरूर सुनिएगा और लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद है मेरे स्वर्ग पिता। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सच्चे हृदय से पिता परमेश्वर, सच्चे मन से पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, कितने सुंदर सी शाम दिखाई है पिता परमेश्वर, और हम सबों को पिता परमेश्वर संभाल कर रखा है, जीवित रखा है पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तू महान है पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर, तेरा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, तू महान है, तू इस समय स्वर्ग में विराजमान है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरी दुआ को सुन पिता परमेश्वर। जबकि मैं दुआ करने जा रही हूँ पिता परमेश्वर, मुझे भी बहुत सामर्थ्य दीजिएगा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी रात को सो नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें घबराहट होती है पिता परमेश्वर, टेंशन होती है पिता परमेश्वर, सारी टेंशन सारी घबराहट पिता परमेश्वर आपके जलाली नाम से, खुदा यीशु मसीह आपके समर्थित नाम से उनके जीवनों से दूर हो सके पिता परमेश्वर, वो आजाद हो सके यीशु मसीह के नाम से, वो आजाद हो सके। हालेलुया, तो सच में महान है पिता परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है पिता परमेश्वर, सब संभव है पिता परमेश्वर। तो सहायता करने वाला खुदा है पिता परमेश्वर, तो हर एक जन को संभालता है, हर एक जन की सहायता करता है पिता परमेश्वर, तो सच में महान है। चाहे जिस भी संकट में हो, यहोवा को पुकारो, वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। और भी विश्वास से प्रार्थना करो, जब विश्वास से प्रार्थना नहीं करता है वो समुद्र की लहरों के समान है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। और प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। हाँ, जो हर एक वचन में लिखा है वो जरूर 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 पूरा होगा। हर एक चीज झूठी होती है, लेकिन वचन सत्य है, वचन जीवित है। वचन को जो पाता है वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलता है, जो प्रभु को पाता है वो ज्योति में चलता है। हर एक जन पिता परमेश्वर तेरे नाम से आए प्रभु जी, और तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ करे पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, वो सब प्रभु जी तेरे पास आए पिता परमेश्वर। हर एक जन को खुदावन यीशु मसीह तो चुन पिता परमेश्वर, वो सब तेरे पास आए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम के झंडे खड़े करे पिता परमेश्वर। तो सच में महान है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू महान है पिता परमेश्वर। हे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितना ही धन्यवाद करो उतना ही कम है, क्योंकि यहोवा हम सबों के जीवन में बहुत अद्भुत काम करता है। जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है, क्योंकि सारा दिया हुआ उसका है। हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं। बस जितना धन्यवाद करो उतना ही प्रभु के लिए कम है। हे पिता परमेश्वर, तो सच में महान है प्रभु जी, महान है, तो दयावंत है खुदा यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, जो तेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु जी तू, अगर हम सब प्रभु के पीछे चले तो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर उजियाला देता है। हम पाप में डूबे हैं खुदा यीशु मसीह, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर अपराधों को मिटा दे खुदा यीशु मसीह। प्रभु जी जिनने भी पाप में अभी भी हैं पिता परमेश्वर, उनके पापों को खुदा यीशु मसीह भली भांति प्रभु जी उनके पापों को धुल दे खुदा यीशु मसीह। वो हर एक पाप से वो आजाद हो सके पिता परमेश्वर, आजाद हो सके। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक पाप को धुलने वाला खुदा तू है। पाप क्षमा करने का अधिकार तुझे दिया गया है पिता परमेश्वर, स्वर्ग का भी अधिकार तुझे दिया गया है। हाँ खुदा यीशु मसीह, आज भी हम सब भी पापों में है पिता परमेश्वर, हमारे और हर एक जनों के पिता परमेश्वर पाप और गुनाहों को क्षमा कर खुदा यीशु मसीह। और हम प्रभु जी, हम सब प्रभु जी तेरे पीछे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सब चले पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी अभी भी पाप के दलदल में है पिता परमेश्वर, जो अभी भी अपना रास्ता भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको संभाल पिता परमेश्वर, उनको संभाल। उन सबको प्रभु जी तेरे हाथों में मैंने सौंप दिया है पिता परमेश्वर।
हर एक मसीह को प्रभु जी तेरे पवित्र लहू में मैं ढांकती हूँ खुदा ने यीशु मसीह, ताकि शैतान की कोई भी छाया उस पर ना पड़ने पाए पिता परमेश्वर। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छिपाती है खुदा ने यीशु मसीह, उसी तरह तू भी हर एक मसीहों को अपनी आड़ में ले ले खुदा ने यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया 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 प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, लाख लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तो सेनाओं का यहोवा है तेरा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, वही जो पवित्र है। हाँ खुदा यीशु मसीह, जैसा तू पवित्र है वैसे हम सबों को पवित्र बना, ताकि तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक मसीह जहाँ भी कहीं वो जाता है, ये मत कहे कि मेरे साथ कोई नहीं है, बल्कि प्रभु अपने दूतों को तुम्हारे साथ भेजता है, तुम्हारे साथ साथ प्रभु के दूत चलते हैं। जहाँ भी कहीं तुम जाओगे वहाँ प्रभु के दूत तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। प्रभु अपने मसीहों से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि कुछ कहने को नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि हम सब विश्वास करें। हाँ प्रभु जी, तो सच में महान है पिता परमेश्वर, तुमने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि हम सब विश्वास करें पिता परमेश्वर, और अपने आप पापों से मन फिरा के एक अनंत काल का जीवन पाएं, उद्धार पाएं पिता परमेश्वर। तो हमसे इतना प्रेम करता है पिता परमेश्वर, तो सच में महान है। जैसे तूने हमसे प्रेम किया, उसी तरह हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर। हम भी अपनों से जैसे प्रेम करते हैं, उसी तरह दूसरों से भी प्रेम करें पिता परमेश्वर। जो कुछ मांगना है यहोवा से मांगो, इंसान से मत मांगो, इंसान तुम्हें कुछ नहीं देगा, लेकिन यहोवा से मांगोगे वो तुम्हें हर एक चीज देगा। बस सच्चे हृदय से मांगना है, खुदा तुम्हारी हर एक सहायता को पूरी करे और तुम्हारी हर एक मन की भावनाओं को भी पूरी करे। आप सबको खुदा और यीशु मसीह बहुत आशीष दे और हर एक चीज में तुम्हारी सहायता करे। प्रभु जी, इस समय जो मेरी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हर एक बीमारी पिता परमेश्वर दूर हो सके पिता परमेश्वर, और मेरी प्रार्थना उनके जीवन में काम करने पाए पिता परमेश्वर। जितने मेरी प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से दूर हो सके पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना जो सुन रहे हैं उनको भी आशीष और ब्लेस कर पिता परमेश्वर, वो सब तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया मेरे सेनाओं के यहोवा यीशु मसीह, तेरा नाम की महिमा और तेरे नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। हर एक जन पिता परमेश्वर तेरा नाम की महिमा और तेरे नाम की तारीफ करे। तू तारीफ के योग्य है, तू महिमा करने के योग्य है, तू बढ़ाई करने के योग्य है पिता परमेश्वर। तो सच में प्रभु जी बहुत महान है पिता परमेश्वर, हमसे तो बहुत प्रेम करता है पिता परमेश्वर, तो सच में महान है। हर मसीह को प्रभु जी बहुत आशीष दे और ब्लेस कर पिता परमेश्वर, वो सब तेरे वचन को भी पढ़े पिता परमेश्वर, और वचन की हर एक बातों को समझे जाने पिता परमेश्वर, और हर एक गहराइयों को समझे पिता परमेश्वर। जो मसीह वचन पढ़ता है पिता परमेश्वर, वचन पढ़ने में उनकी मदद और हेल्प कर पिता परमेश्वर। जो हर अर्थ उन्हें नहीं समझ में आता है, उन्हें हर एक अर्थ का अर्थ समझा पिता परमेश्वर, और वो वचन में प्रतिदिन मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में वचन लागू होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में खाली ना जाने पाए पिता परमेश्वर, सौ गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, और वो सब तेरे वचन में और तेरे प्रेम में बढ़ सके पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी नाम से मानती हूँ, आमीन।